सेप्टिक टैंक में आप सबसे पहले आप ध्यान ये रख सकते हैं कि जैसे देख पा रही हैं इसमें हमने चारों बगल पहले प्लास्टर कर लिया, उसके बाद ये पार्टीशन बीच में हो रहा है। तो सेप्टिक टैंक में आपका सिर्फ पानी लीकेज नहीं हो, सिर्फ यही उसका मेन मकसद होता है। और बाकी आप पार्टीशन, आप चाहे जिस टाइप से आप पार्टीशन करना चाहे कर सकते हैं। इसको कोई प्रूफ ठीक से नहीं कर पाया है कि जो है कौन सा वाला पार्टीशन सही है और किस टाइप से पार्टीशन होगा जो कि आपका अच्छे से, यानी बाद में ज़्यादा टाइम के बाद भरेगा। मेन काम तो आपका सेप्टिक टैंक में आपका यही है कि सिर्फ आप पहले प्लास्टर अगर करवा रहे हैं तो बार बार प्लास्टर एक बार में हो, एक दिन में हो, उससे आपको लीकेज का चांस या ज्वाइंट का चांस का कम रहेगा। तो हमने इसको पहले एक ही दिन में पूरा प्लास्टर किया हुआ है और इसको देख रहे हैं, फिर बाद में जो है ये चुनाई इतना से करके इधर भी करके इसमें फिर बीम डालना। ये हम अपने मन से नहीं बना रहे, ये इंजीनियर का इसमें दिमाग है। जिसका मकान है वो खुद इंजीनियर है और वो अपने ही तरीके से वो किताब से पढ़ के करवा रहा है। अब उससे क्या सही है क्या गलत है इसको हम नहीं बता सकते हैं। और जब पूरा फाइनल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से और किस तरीके से ये बना है। पूरा जब ऊपर हो जाएगा फाइनल तो, और इसमें अभी क्या काम बाकी है उसको भी बाद में बताएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें।